हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लाइफ स्टाइल विद अनीता। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपने किचन में यूज होने वाले ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि ये सारे ही ऑर्गेनाइजर्स मेटल के बने हुए हैं जो कि काफी टाइम तक चलते हैं, खराब नहीं होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, स्टर्डी होते हैं। इन ऑर्गेनाइजर्स को मैंने अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों से लिए हैं। मतलब जो मुझे अमेजन में सही मिल गया या मीशो में सही मिल गया या फिर फ्लिपकार्ट में सही मिल गया, तो मैं उस हिसाब से इनको परचेज कर लेती हूँ। जहाँ ये मेरे को कम प्राइस में मिलते हैं मैं वहाँ से ले लेती हूँ। सभी बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, स्टर्डी हैं, और एक बार आप इसे ले लेंगे तो आपका लाइफ टाइम चलने वाला है। तो मैं ऐसी ही चीज़ें प्रेफर करती हूँ जो यूजफुल हो, और बहुत सोच समझ के चीज़ें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि ये लगता है ना कि कहीं पैसे हमारे वेस्ट ना हो जाएं, ये हमारे लिए यूज़फुल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के ही चीज़ें लेती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपसे अपने किचन के ये ऑर्गेनाइजर्स या स्टैंड के बारे में बात करूँगी कि आप इनको किस तरह से अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको ये ऑर्गेनाइजर दिखाती हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं इस मेटल ऑर्गेनाइजर की। ये बेसिकली एक चकला, बेलन और तवा रखने के लिए ऑर्गेनाइजर है, और इसको आप हैंग भी कर सकते हैं ड्रिल करके, या फिर आप अपने काउंटर टॉप में रख सकते हैं या किसी कैबिनेट में रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें ना तवा, चकला, बेलन के अलावा भी आप चॉपिंग बोर्ड भी रख सकते हैं, काफ़ी जगह रहती है इसमें, काफ़ी स्पेसियस है ये। तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। नेक्स्ट है ये ऑर्गेनाइज़र। ये भी छोटा सा स्लीक सा ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। और इस ऑर्गेनाइज़र को आपने काफ़ी, जैसे आप डेली यूज़ के कप, ग्लासेस रख सकते हैं इसमें, और इसमें हैंग करने का नहीं दिया हुआ है, इसे आपको अपने किचन काउंटर टॉप में ही रखना होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है ये प्लेट स्टैंड। प्लेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब हम सिंक में बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो उस टाइम पे भी प्लेट वगैरह को वॉश करके हम इसमें रख सकते हैं, तो वो जल्दी ड्राई हो जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है मेरे। ऐसा टू टीयर का ब्लैक कलर का मेटल में है, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसे आप वेजिटेबल या फ्रूट बास्केट की तरह यूज कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये मैं हाथ में ली हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा ये भारी लग रहा है, और ये काफ़ी अच्छे मटेरियल से बना हुआ है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। तो इसे मैं फ्रूट और टीयर ऑर्गेनाइजर है, और इसमें बहुत, और इसे मैं अपने किचन में काउंटर टॉप में अपने कुक टॉप के बगल में रखती हूँ, और इसमें मोस्टली वही चीज़ें रखती हूँ जो मेरे को कुकिंग के टाइम पे जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे ऑयल कंटेनर हो गए, टी, शुगर, ये सारी चीज़ें हो गई जो भी। यहाँ पे मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र लगा के रखा है जो ये वॉल में माउंट है, थ्री टीयर का। इसमें मैं सारे स्पाइसेस ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। बिग ऑर्गेनाइज़र, ये काफ़ी बड़ा है, और इसमें आप ड्रिल करके इसको वॉल में भी हैंग कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है।
जब हम एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं तो वहाँ के किचन काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो ऐसे में हमें इन ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत होती है। और ये ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी हद तक हमारे किचन के जो स्पेस को बढ़ा देते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, और चीज़ें देखने में भी अच्छी लगती हैं और काफ़ी हैंडी हो जाती हैं चीज़ें, हम सामने से यूज़ कर सकते हैं उन्हें। मैंने इन सभी ऑर्गेनाइजर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल में आप अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।